देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का। इंदौर शहर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। पर्यटकों की दृष्टि में यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे राजसी महल, प्रभावशाली मंदिर और सुंदर धार्मिक स्थल। उन्हीं में से एक है खजराना गणेश मंदिर, जो देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में विस्तार से। गणेश चतुर्थी के महापर्व की शुरुआत 31 अगस्त से होगी, जो अगले 10 दिनों तक चलेगा। ऐसे में हम आपको गणेश जी से जुड़े मंदिरों के दर्शन करवाएंगे, जिसमें से एक इश्कया गजानंद का मंदिर। यहाँ प्रेमी जोड़े हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाने की मुराद मांगने आते हैं और कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यह मंदिर प्रेमी जोड़ों के बीच बेहद लोकप्रिय है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। इंदौर का खजराना मंदिर, यह है देश का प्रमुख गणेश मंदिर। हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है यह मंदिर। मंदिर में इच्छाधारी पीपल है मौजूद। भारत के धनी मंदिरों में है शामिल। मन्नत पूरी होने पर गणेश की मूर्ति की पीठ पर भक्त बनाते हैं स्वास्तिक। गणेश जी को यहाँ चढ़ता है लड्डुओं का भोग। मध्य प्रदेश के इंदौर में खजराना गणेश मंदिर के चमत्कार भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। ये देश का प्रमुख गणेश मंदिर है, साथ ही ये हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ भक्तों की हर इच्छा खजराना गणेश में पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद भगवान गणेश की मूर्ति की पीठ पर स्वास्तिक बनाते हैं। ये मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। बुधवार और रविवार को ज्यादातर लोग प्रार्थना करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। स्थानीय परंपरा के अनुसार जो भक्त इस मंदिर में पूजा करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर के मुख्य त्योहार विनायक चतुर्थी को अगस्त और सितंबर के महीनों में भव्य तरीके से मनाया जाता है। खजराना गणेश मंदिर परिसर में 33 छोटे और बड़े मंदिर हैं। भगवान राम, शिव, माँ दुर्गा, साईं बाबा और हनुमान जी सहित कई देवताओं के मंदिर हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन पीपल का पेड़ भी है। इस पीपल के पेड़ को इच्छाधारी वृक्ष माना गया है। परंपरा के अनुसार यदि कोई शुभ कार्य जैसे शादी या जन्मदिन है तो भक्तों को सबसे पहले इस मंदिर में ले जाया जाता है और सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में आयोजित सभी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पहला निमंत्रण खजराना गणेश में चढ़ाया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं ये भी हैं कि जो भी सच्ची मन से कामना लेकर आता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मनोकामना पूरी होने पर भक्त खजराना मंदिर में स्थित गणेश की प्रतिमा के पीठ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाते हैं। ये मंदिर भारत का सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक है। भक्तों के द्वारा चढ़ाए जाने वाला धन दौलत की वजह से ये भारत के सबसे धनी मंदिरों में से शामिल है। जब से यहाँ ऑनलाइन दान चढ़ावा देने का सिस्टम बनाया गया, तब से लोग ऑनलाइन के द्वारा भी भारी संख्या में चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस मंदिर में स्थापित गणपति की मूर्ति को औरंगजेब के शासनकाल के दौरान एक कुएं में छुपाया गया था। जब देश भर में कई मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, वर्षों बाद मंगल भट्ट नामक एक पंडित ने सपने में मूर्ति को पहचान लिया। रानी अहिल्याबाई होलकर ने तब इसे हटा दिया और होलकर राजवंश की रानी अहिल्याबाई ने 1735 में इंदौर के खजराना में गणेश मंदिर की स्थापना की। ये एक छोटी सी झोपड़ी से एक बड़े मंदिर और शहर के सबसे पूजनीय मंदिर तक पहुंच गया है। इस मंदिर में सोने, हीरे और अन्य कीमती रत्नों का दान किया जाता है। गर्भगृह का द्वार और बाहरी दीवार चांदी से बनी है और ये विभिन्न मनोदशाओं और त्योहार को चिन्हित करती है।
देवता की आंखें हीरे से बनी है, जिसे इंदौर के एक व्यापारी ने दान किया था। गर्भगृह की ऊपरी दीवार चांदी से बनी है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यह आने वाले भक्तों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की जाती है। चूंकि इन दिनों में यहाँ भक्तों की संख्या सामान्य से कई गुना अधिक बढ़ जाती है, गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ मोदक का खास भोग लगाया जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों की गणेश जी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।